है कि जिन लोगों को हम विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे विशेषज्ञ शब्द की परिभाषा क्या है इसके ऊपर भी कभी चर्चा करनी होगी, लेकिन जिनको हम विशेषज्ञ कहते हैं और जो इस प्रोग्राम के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में बोलते हैं, एक्चुअली मैं आपको कितने सारे प्रोजेक्ट बता दूं जिसमें कोई नदी जोड़ का कंपोनेंट नहीं है, जैसे रेणुका डैम और उसमें इरीगेशन भी नहीं है, दिल्ली की पानी की सप्लाई है और थोड़ा सा हाइडल पावर है, तो क्या हिमांशु जी उसको सपोर्ट करते हैं? कोई नदी जोड़ प्रकल्प नहीं है, उसका सवाल ही नहीं है, वो हम उसकी चर्चा नहीं कर रही है अभी। रेणुका डैम, लोहारी नागपाला, पालेरी मणिभाली, लोअर सुबानश्री, पोलावरम, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, कितने नाम गिना दूं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नदी जोड़ प्रकल्प का विरोध नहीं है, ये तो एक मूलगामी भारत की विकास प्रक्रिया का विरोध है। जो चाहे प्रकल्प नदी जोड़ हो चाहे नदी जोड़ ना हो, विरोध करना है। ओके, जो एस्टुरीज है कोस्टल एरियाज में, उसपे जो मैंग्रोव्स वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है, तो वहां की कोस्टल एरियाज में जितने पॉपुलेशन है वो टोटली इस पे डिपेंड करते हैं, तो क्या इस पे स्टडी किया गया है, एक एस्टिमेट किया गया है कि कितना लॉस होगा? कितना लॉस होगा? ओके, इसका जवाब फाइनल कमेंट्स में आप लोगों में से कोई लीजिएगा। हाँ, उधर दीजिए पहले तो माइक। हाँ बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पारित की है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन